हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंकाज किचन। तो चलिए शुरू करते हैं मोरिंगा का अचार बनाना। मोरिंगा यानी कि सहजन, ड्रमस्टिक या मुनगा, इन नामों से इन्हें बुलाया जाता है। ये देखिए, अचार बनाने के लिए हमने बहुत ही नरम मुलायम मुनगा ले रखा है। इन्हें हमने धोकर साफ कर लिया है। अब हम इन्हें बारीक कट कर लेंगे। कट करने के लिए जैसे ये हमने ये लिया, इसका टिप कट कर देंगे और फिर उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। फिर ये लास्ट का टिप भी हम निकाल देंगे। सॉफ्ट होने के कारण ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे ड्रमस्टिक को कट कर कर इकट्ठा कर लेंगे। सारे ड्रमस्टिक हमने ये कट कर कर रख लिए हैं। अब हम गैस पर एक भगोना गरम कर लेंगे। उसमें एक कप तक पानी हमने डाल दिया। पानी गुनगुना हो गया है तो अब इसमें एक पिंच तक सॉल्ट ऐड कर देंगे। बॉयल सा आने लग गया है तो अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और ये जो कटे हुए ड्रमस्टिक थे इन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ढककर इसे हम लगभग 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक यूं ही रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक तवा गरम कर लेंगे। उसमें एक बड़ा चम्मच मेथी दाना, थोड़ा हार्ड होता है तो इसे हम 1/2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। फिर इसमें एक बड़ा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें हम एक बड़ा चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ की क्वांटिटी आप चाहें तो थोड़ी बढ़ा सकते हैं तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच हम धनिया ऐड कर देंगे। धनिया की क्वांटिटी हमें 2 बड़े चम्मच रखनी है। सारे मसालों को हम लगभग 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। रोस्ट होने पर इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुछ सेकेंड तक हम इसे मिक्स करेंगे। फिर हम इसे यूं ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम इस भुने हुए मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है तो अब हम इसे एक बर्तन में रख लेंगे। ये देखिए, मसाला खड़े मसाले जब हम सेम टाइम पर कुछ बनाना रहे अचार टाइप की चीज़ और तुरंत हम उसे रोस्ट करके ग्राइंड करें तो उसकी अलग ही खुशबू आती है और अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब हम इस उबले हुए ड्रमस्टिक को एक बर्तन में पलट देंगे जिसमें आप देख रहे हैं छेद है, ताकि इसका वाटर डिस्पोज हो जाए।
यहाँ पर हमने इसका वाटर कलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ड्रमस्टिक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। हमने हल्का सॉल्ट डालकर इसको बॉयल किया था, तो ये जो इसका वाटर है आप इसे एज अ जूस पी सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये जो ड्रमस्टिक है इसका हम अचार या पिक्कल बना लेंगे। अब हम मिक्सर ग्राइंडर में लगभग 15 कली छिले हुए लहसुन, लगभग 4 हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच राई, इन्हें भी हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। ये भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है, तो इसे भी हम मसाले की तरह एक जगह कलेक्ट करके रख लेंगे। अब हम एक प्लेट में ड्रमस्टिक ले लेंगे, फिर जो लहसुन मिर्ची और सरसों का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे, जो खड़े मसाले हमने भूनकर पीसे थे उसको ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक और लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इन सबको ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा ड्रमस्टिक या मोरिंगा का हेल्दी और टेस्टी अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। We'll be right back.